सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की पहली चॉइस होती है। इसके पीछे रीजन दोस्तों ये है कि ये प्राइस में काफी अफोर्डेबल होती है और कम स्पेस जो है वो कंज्यूम करती है। दोस्तों अगर आपके पास एक हायर की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको हायर वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश करते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है ये कंप्लीट हायर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है, इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की पहली चॉइस होती हैं, क्योंकि ये प्राइस में काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं और इन्हें आप कहीं पर भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको तीन कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं, जिसमें वॉश सेलेक्टर, ड्राई सेलेक्टर और वाटर सेलेक्टर का फीचर आपको मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको हायर की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश करना है इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि अभी आप फ्रंट में देख पा रहे हैं कि हमें यहां पर तीन कंट्रोल फीचर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप इन फीचर का यूज़ करते हुए वॉश कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन में जो पानी है उसे स्टोर करना होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारा पाइप है वाटर कनेक्टिविटी का वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पानी की सप्लाई वॉशिंग मशीन में इस तरीके से हो रही है। दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी नल है तो वहाँ से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जो कनेक्टिविटी पाइप है वो इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है और इसे हमने नल में कनेक्ट कर रखा है, तो नल के प्रेशर से जो पानी है वो वॉशिंग मशीन में इजीली जो है वो स्टोर हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन में जब कभी कपड़े आप वॉश करते हैं तो सबसे पहले पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी एक बार टब में आ जाने के बाद में फिर आपको डिटर्जेंट और कपड़े दोनों डालने होते हैं। यहाँ पर अभी हमने जो है वो कपड़े डाल दिए हैं, उसके बाद कपड़े को वॉश करने के लिए जितना भी डिटर्जेंट पाउडर हमें चाहिए वो हमको मैनुअली ऊपर से ही डालना होगा। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर और कपड़ों की से टब में एक बार डालने के बाद में हम अभी देख पा रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पर एक साइड में मैजिक फिल्टर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसे हर एक ब्रांड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, किसी में इसे लिंट फिल्टर कहते हैं, किसी में इसे मैजिक फिल्टर कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉशिंग मशीन में और इसे आपको खोल के समय समय पर साफ भी करना है, और साफ कैसे करना है उसके लिए दोस्तों आपके पास घर में नल जरूर होगा, थोड़ा सा प्रेशर पाइप के थ्रू आप थोड़ा सा फोर्स डालेंगे तो ये साफ हो जाता है। तो उसको आपको रेगुलर साफ करते रहना है ताकि आपको एक अच्छी बेटर वॉश क्वालिटी देखने को मिले। अब बात करते हैं कि दोस्तों कैसे आप वॉश कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर सबसे साइड में टाइमर का जो है वो नॉब दिखाई देता है, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइमिंग दिखाई देगी, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। सपोज अगर आपके पास कम कपड़े हैं तो आपसे 15 मिनट या फिर थोड़े से ज़्यादा हैं तो 30 मिनट, मैक्सिमम आप 45 मिनट्स तक का जो है वो टाइमर सेट कर सकते हो। जितने कपड़े हैं उस हिसाब से आपको टाइमर जो है वो सेट करना होता है। एक बार आपने टाइमर सेट कर दिया उसके बाद वॉशिंग मशीन जब कभी भी अपना काम करना स्टार्ट कर देगी तो ये जो नॉब है ये धीरे धीरे जो है वो टाइमर जैसे जैसे खत्म होता जाएगा ये ऑफ की ओर जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जब भी ये ऑफ तक रीच हो जाएगा तो फिर एक बजर बजेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो कपड़े हैं वो वॉश हो चुके हैं, रेगुलर वॉश जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कपड़े जो है वो ड्रायर में शिफ्ट करने होते हैं। फिलहाल अभी आप जो नॉब देख पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी सेट हमने करा हुआ है, वो धीरे 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 यहां से ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ पर चला जाएगा। जैसे ही ऑफ पर जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर साइड में हमें एक और नॉब दिखाई दे रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी पानी वॉशिंग मशीन में बचा हुआ है कपड़े वॉश होने के बाद उसे ड्रेन करना होता है, यानी कि उसे बाहर निकालना हमें होता है। तो एक बार आपको जो भी टाइमिंग सेट करना है, आपके जो भी कपड़े हैं जितने कपड़े हैं उस हिसाब से आपको एक बार जो है वो टाइमिंग सेट करना होगा, और टाइमर सेट करने के बाद में जब कभी भी ऑफ पर टाइमर आ जाएगा आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे उसके बाद में
दोस्तों आपको जो है वो पानी को ड्रेन करना होता है। तो ड्रेन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप ड्रेन करेंगे तो देखिए इस तरीके से अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी हमारा वॉशिंग मशीन का पानी था कपड़े वॉश करने का, वो जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गया। इन द सेंस कि जो भी आपने कपड़े डाले थे वो वॉश हो चुके हैं और पानी भी बाहर निकल गया है। तो एक बार जब पानी बाहर निकल जाता है उसके बाद कपड़े हमें बाहर निकालने होते हैं और फिर ड्रायर में हमको शिफ्ट करने होते हैं। तो ड्रायर के बारे में भी हम बात करेंगे कि ड्रायर कंपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, ड्रायर कंपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए भी ऑलरेडी एक नॉब दिया हुआ है, उस नॉब के थ्रू जो है वो हमें यूज़ करना होता है कि हमें वहाँ पर भी टाइमिंग सेट करनी होती है। टाइमिंग के हिसाब से आप जो है वो कपड़े को एक बार डाल देंगे, उसके बाद वहाँ से ड्राई होकर आपको कपड़े मिलेंगे और उसके बाद हल्की सी आपको जो कपड़ों को धूप दिखानी होती है और कपड़े सूख जाते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। दोस्तों ठीक वॉशर के पास में ही हमें ड्रायर कंपार्टमेंट भी जो है वो वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। सेमी ऑटोमेटिक में आप सभी को पता है दोस्तों दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, एक वॉशर और एक ड्रायर। तो ड्रायर में कपड़े आपको जो है वो वॉश कंप्लीट हो जाने के बाद में ड्रायर में शिफ्ट करने होते हैं। अभी हम जानेंगे कि केस होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ड्रायर कंपार्टमेंट को जैसे ओपन करने के बाद में जो भी कपड़े आपके पास हैं वो बकेट में आपने रख लिए हैं, उसके बाद वहां से आप कपड़े जो है वो ड्रायर में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो वापस से ऊपर दी हुई नॉब, जैसे ड्रायर के जस्ट ऊपर एक नॉब दी हुई है जहां पर आपको टाइमर सेट करना होता है कि कितनी देर में कपड़े जो है वो आपके अच्छी तरीके से ड्रायर होके आपको मिल जाए। अगर कम कपड़े हैं तो आप कम जो है मिनट की साइकिल या टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपके जितने कपड़े हैं वो सारे ड्राई होके आपको देखने को मिले। और उसके बाद वॉशिंग मशीन जो है वो हमें इंडिकेट यानी कि बजर के थ्रू इंडिकेट करें कि आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। दोस्तों चाहे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या फिर टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो, ये कभी भी 100% कपड़े ड्राई नहीं करती हैं, लेकिन इतने कपड़े ड्राई हो जाते हैं कि हल्की धूप लगाने के बाद आपके कपड़े पूरी तरीके से सूख जाते हैं। 100% कपड़े ड्राई केवल एक वॉशर एंड ड्रायर में ही होते हैं, वॉशिंग मशीन में 100% कपड़े ड्राई नहीं होते हैं। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है कि वॉशिंग मशीन में जो भी टाइमर हमने मैक्सिमम सेट किया था वो धीरे धीरे जो है वो ऑफ बटन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही ऑफ बटन पर जो नॉब है वो पूरी तरीके से आ जाएगी तो हमारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे और वॉशिंग मशीन हमें एक बजर के थ्रू जो है वो इंडिकेशन भी दे देगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल ऑफ बटन पर जो है वो नॉब आ चुका है, कपड़े पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। ड्रायर को ओपन करने के बाद दोस्तों हम कपड़े बाहर निकाल के देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे और इन्हें हल्की धूप लगाने के बाद ये कपड़े 100% ड्राई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स हायर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश कर रहे हैं उस बारे में, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई भी वॉशिंग मशीन लेने के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो या फ्रंट लोड हो या टॉप लोड हो, अलग अलग कैपेसिटी की सारी वॉशिंग मशीन की रिकमेंडेड लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप उन्हें वहां जाके चेकआउट करें और उनमें से कोई भी वॉशिंग मशीन अगर आप अपने लिए परचेस करना चाहते हैं तो वहां से परचेस भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नहीं बता पाए तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने सवाल जरूर पूछिए। वहीं पर दोस्तों अगर आप हायर के ऑलरेडी यूजर हैं और आपका जो भी एक्सपीरियंस इन वॉशिंग मशीन को लेकर है, प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।